टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज का जो जेस्ट का 2022 का एग्जाम हुआ है उसमें मुझे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिला है। क्वेश्चन क्या है, टू डाइसेस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली और अगर सम मेरे पास m है तो उसके कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, pm है। तो ये ऑप्शंस थे आपके पास, p9 इक्वल टू p3, p9 इक्वल टू p5, p9 इज इक्वल टू p6, p9 इज इक्वल टू p4। यानी एक बार आप निकाल लो P9, सब में P9 तो है ही, P3 निकालो, P5, P6, P4, जहां ये दोनों इक्वेट कर रहे हैं वही आपका आंसर हो जाएगा। अब दो डाइसेस आप जो रोल कर रहे हो साइमल्टेनियसली, P9 की अगर मैं निकालना चाहूं कैसे निकलेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यानी फर्स्ट पे 3 आया हो, सेकंड डाइस पे 6 आ गया हो, 6 3 4 5 5 4, ओवरऑल टोटल क्या होती है 6 raised to power 2, यानी 36 होती है आपकी। P9 क्या होगी 4/36, 1/9, और P3 भी निकालना चाहिए, कब क्या पॉसिबिलिटी आपका टोटल सम 3 है, ये m जो है सम है ना टोटल 2 1 या 1 2, यानी 2/36, 1/18, P9 P3 के इक्वल नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगी आपका रॉन्ग ऑप्शन। सेकंड P9 तो निकल चुका हमारा, P5 निकालो आप, क्या आ रहा है P5, पॉसिबिलिटी है 1 4 4 1 2 3 3 2, यानी 4 पॉसिबिलिटी ऐसी है, 4/36, 1/9 आ गया। तो यहाँ से वैसे तो आप दोनों इक्वेट कर चुके, आंसर आ चुका है। नेक्स्ट P6 भी मैंने ट्राई किया है, 2 4 4 2 5 1 1 5 3 3, ये 5 पॉसिबिलिटी है 5/36, ये इक्वल नहीं है, ऐसे P4 भी देख सकते हैं। सो P9 इज इक्वल टू P5 इज राइट आंसर। ओके, थैंक यू फॉर हियरिंग मी, थैंक यू।